नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 14 जून 2022 दिन मंगलवार। सभी मुख्य समाचार जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ सराज प्लाग हाइकिंग। जंजैहली टूरिज्म फेस्टिवल 2022 के समापन पर सोमवार को पहली बार सराज प्लाग हाइकिंग का आयोजन किया गया। इसे इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले इस अनूठे इवेंट में 345 महिला पुरुषों ने भुला से शिकारी देवी तक करीब 12 किलोमीटर ट्रैकिंग करते हुए 1176.26 किलोग्राम प्लास्टिक का कूड़ा एकत्रित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रतिभागी बनकर इस आयोजन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग और जंजैहली पर्यटन उत्सव कमेटी ने संयुक्त रूप से करवाया। सेवानिवृत्त कैप्टन श्याम सिंह ने 345 महिला और पुरुषों का कूड़ा एकत्रित करने के लिए हरी झंडी दिखाई। 175 पुरुष और 170 महिलाओं ने पहाड़ चढ़ते कूड़ा और प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया। सभी ने माता शिकारी देवी से भुला तक 12 किलोमीटर पैदल चलकर जगह जगह फेंके गए प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा किया। इस सफल आयोजन को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करने की घोषणा निर्णायक मंडल में शामिल किरणजीत और चंदू ने की। इस दिन होगी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबलों और ड्राइवरों के पदों के लिए पूरे राज्य में 3 जुलाई को दोपहर 12 से 1 बजे तक लिखित परीक्षा होगी। इससे पहले यह परीक्षा गत 27 मार्च को आयोजित की गई थी। पेपर लीक होने के कारण प्रदेश सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। पेपर लीक मामले की पुलिस की विशेष जाँच टीम जाँच कर रही है। 1334 पदों पर कांस्टेबलों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा 3 मार्च को हुई थी। इसमें 60,454 पुरुष, 14,653 महिलाएं और 696 आरक्षी चालक PET के आधार पर उत्तीर्ण हुए थे। उम्मीदवारों को अपने सिरे से रखी लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। वहीं कांस्टेबलों की भर्ती के पेपर लीक मामले में अभी तक कुल 121 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 90 अभ्यर्थी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। देश के 8 राज्यों में पेपर लीक मामले में किंगपिन शिव बहादुर की गिरफ्तारी वाराणसी से हुई है। पेपर लीक कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का सदस्य बनारस में गिरफ्तार, अन्य की तलाश। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य देन दुजे जैसवार को STF की वाराणसी यूनिट ने सोमवार को पुलिस लाइन चौराहे से गिरफ्तार किया। देन दुजे अंतर्राज्यीय प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक करने वाले बेदीराम का बेहद करीबी है। कैंट थाने में दाखिल कर ट्रांजिट रिमांड आदि की कार्यवाही हिमाचल पुलिस कर रही है। STF वाराणसी यूनिट के ASP विनोद कुमार सिंह के अनुसार गिरफ्तार जौनपुर के केरकत थाना अंतर्गत बिरमपुर निवासी देनदुजे जैसवार उर्फ पिंटू पर हिमाचल में पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक कराने का आरोप है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार देनदुजे ने बताया कि वह अंतर्राज्यीय प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराने वाले बेदीराम का घनिष्ठ सहयोगी व उसके गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराकर परीक्षा से पहले ही अभ्यर्थियों को पढ़वाया जाता था और उनको उत्तर बता दिया जाता था। शिमला में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों का धरना, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राजधानी शिमला में सोमवार को ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी के साथ हाथ में झंडे और तख्तियां लेकर कांग्रेस नेताओं ने छोटा शिमला से लेकर ईडी कार्यालय तक जुलूस भी निकाला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा की तानाशाही नीतियों से देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अब जनता चुप बैठने वाली नहीं है। कांग्रेस इसके खिलाफ देश भर में बड़ा जन आंदोलन शुरू करेगी। प्रतिभा ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के समन का कड़ा विरोध किया। मनाली के हामटा छतरूर ट्रैकिंग रूट से लापता इसराइल का पर्यटक रेस्क्यू। पर्यटन नगरी मनाली के हामटा से लाहौल घाटी के छतरूर ट्रैकिंग रूट पर निकले इसराइल के 2 पर्यटकों में से एक लापता हो गया। मनाली और लाहौल स्पीति प्रशासन ने रेस्क्यू टीम भेजकर सैलानी की खोज शुरू कर दी। इजरायली दूतावास की ओर से मुहैया करवाया गया हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम को लेकर रवाना किया गया। सोमवार दोपहर को पर्यटक को ढूंढ लिया गया। वह छतरूर से 4 किलोमीटर दूर हामटा पास की तरफ कैंप में ठहरा था। पुलिस के मुताबिक इजरायली पर्यटक रविवार को ट्रैकिंग के दौरान वापस अपने कैंप की ओर चला गया था। वह सुरक्षित है। शिमला में जल संकट, चौथे दिन भी पानी नहीं, बावड़ियों पर रात 11 बजे तक लाइनें। राजधानी शिमला में पेयजल संकट गहरा गया है। हिल्स क्वीन में सप्ताह के अंत में भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं, लेकिन यहां कई इलाकों में चौथे दिन भी पानी नहीं मिल रहा। हालात ये हो गए हैं कि मंत्रियों के घरों से लेकर स्कूलों, मंदिरों और सरकारी महकमों में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति करनी पड़ रही है।
कई जगह लोग पानी के लिए बावड़ियों पर रात 11 बजे तक लाइनों में लग रहे हैं। साल 2018 में भी शिमला शहर में भारी पेयजल संकट हो गया था। अब भी हालात वैसे ही बन गए हैं। पेयजल परियोजनाओं से शिमला शहर के लिए पानी की सप्लाई 46 एमएलडी से घटकर 32 एमएलडी पर पहुंच गई है। रविवार को पेयजल कंपनी ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में रिकॉर्ड 45 पानी से भरे टैंकर भेजे। 3D वर्चुअल नज़ारे दिखाते विशेष बस करवाएगी अटल टनल की सैर। मनाली ले हाईवे पर स्थित अटल टनल रोहतांग की सैर जल्द 3D वर्चुअल नज़ारे दिखाती विशेष बस से होगी। राज्य पर्यटन विभाग इसकी शुरुआत करने जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के माध्यम से बस की खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह बस पारदर्शी होगी। अगले 6 माह के भीतर बस सुविधा देने की तैयारी है। बस अंदर से टीवी स्क्रीन की तरह दिखेगी। बस के दाएं बाएं और ऊपर व सामने स्क्रीन पर प्रदेश के इतिहास, पर्यटन स्थलों, अटल टनल रोहतांग, रोहतांग दर्रा, प्रदेश की संस्कृति, विरासत, एडवेंचर से जुड़े वीडियो दिखाए जाएंगे। लाहौल में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना लेटर बॉक्स आकार का डाकघर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। हिमाचल प्रदेश में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर अब सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। लाहौल स्पीति के स्पीति घाटी के हिक्की में यह डाकघर बनाया गया है। इसकी खास बात यह है कि डाकघर लेटर बॉक्स के आकार का है, जहां से स्थानीय लोगों सहित सैलानी भी अपने परिचितों को डाक भेज रहे हैं। इस डाकघर को देखकर हर कोई दंग रह गया है। आपको बता दें कि स्पीति घाटी के मुख्यालय काजा के हिक्किम गांव के आकर्षण को बढ़ाने के लिए ही विभाग ने एक नया कार्यालय बनाया है, जो कि एक बड़े लेटर बॉक्स की तरह दिखता है। बहस बराबरी वालों से होती है, दिल्ली सरकार कहीं टिकती ही नहीं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि बहस बराबर वालों से होती है, दिल्ली सरकार बहस करने के मामले को लेकर कहीं टिकती ही नहीं है। सोमवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली में मात्र 1036 स्कूल हैं। हिमाचल में शिक्षण संस्थानों की संख्या 16,000 से अधिक है। दिल्ली के अधिकांश स्कूलों में विज्ञान संकाय की कक्षाएं नहीं लगती। निजी स्कूलों की पूरे देश में सबसे अधिक फीस दिल्ली में है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान दिल्ली के शिक्षकों को अपने वेतन के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया झूठ बोलने में माहिर हैं। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार के दावे झूठे हैं। हिमाचल में सेवाएं बहुत बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से हालात खराब हैं। निःशुल्क होंगे अब DCA और PGDCA के कोर्स। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की ओर से करवाए जाने वाले डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स में अब प्रशिक्षकों को किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी। प्रशिक्षण शुरू होने से पहले प्रदेश के हजारों युवाओं को बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की ओर से दी गई है। इससे पहले इन कोर्सों के लिए रिफंडेबल फीस का प्रावधान था। निगम प्रबंधन ने अब इसमें बदलाव किया है। अब प्रशिक्षकों को कोई फीस नहीं देनी है। दोनों कोर्स पूरी तरह निःशुल्क होंगे। इसी माह कोर्सों की पढ़ाई शुरू होने की उम्मीद है। शिमला फल मंडी में टाइडमैन सेब की धमाकेदार दस्तक, 1800 रुपये में बिकी 24 किलो की पेटी। अर्ली वैरायटी के रेड जोन के बाद अब राजधानी की भट्टा कोफर फल मंडी में टाइडमैन सेब ने भी धमाकेदार दस्तक दी है। सेब सीजन की शुरुआत में ही टाइडमैन को करीब 75 रुपये किलो रिकॉर्ड दाम मिला है। रविवार को ननखड़ी खड़ाहन के बागवान कमल राणा का टाइडमैन सेब 1800 रुपये प्रति पेटी के दाम पर बिका है। मुंबई की KH फर्म ने यह सेब खरीदा है। बागवान कमल राणा ने बताया कि रविवार को वह 21 पेटी सेब बेचने के लिए लाए थे, जिसमें से 16 पेटियों को बेचा है। बीते साल सीजन की शुरुआत में टाइडमैन को 50 से 60 रुपये प्रति किलो दाम मिले थे, लेकिन इस साल 75 रुपये प्रति किलो से शुरुआत हुई है। 26,000 अभ्यर्थियों का टाइप टेस्ट लेगा तकनीकी शिक्षा बोर्ड। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड पंचायत सचिव परीक्षा दे चुके 26,000 अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड लेने के लिए राजी हो गया है। हिमाचल विश्वविद्यालय ने पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा लेने के बाद संबंधित विभाग का पूरा रिकॉर्ड ले जाने को कहा था। लिखित परीक्षा के बाद पंचायत सचिव पदों की भर्ती के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड अब अभ्यर्थियों का टाइप टेस्ट लेगा। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। IHM हमीरपुर में 2 कोर्सों में प्रवेश के लिए 21 तक करें आवेदन। होटल मैनेजमेंट संस्थान हमीरपुर में क्राफ्टमैनशिप सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन एंड पैटिसरी और डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए योग्यता प्राप्त इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र, पात्रता मानदंड और सूचना विवरणिका संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं अथवा किसी भी कार्य दिवस पर संस्थान से प्राप्त किए जा सकते हैं। हिमाचल में मोदी के रोड शो पर बारिश का साया, 15 से प्रदेश भर में झमाझम बरसेंगे मेघ। हिमाचल प्रदेश में तपती गर्मी से निजात मिलने वाली है। प्रदेश का मौसम करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 15 जून से प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में 16 जून को धर्मशाला आ रहे PM मोदी के रोड शो पर संकट के बादल छाने लगे हैं।
हालांकि सोमवार को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है, लेकिन इस बारिश से तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, जिससे मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। बारिश के बावजूद मौसम विभाग ने सोमवार को कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के अनुसार 20 जून के बाद हिमाचल में मानसून की झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी। हिमाचल में रेट कम होते ही पेट्रोल डीजल की कमी, पंपों पर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा तेल। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते ही इस पर अब संकट पैदा हो गया है। कई जगह पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो गया है। तेल कंपनियों की तरफ से आपूर्ति कम करने से पेट्रोल की कमी हो गई है। आपूर्ति कम होने से हिमाचल में कई जगह पेट्रोल की कमी हो गई है। कई पंप पर तीसरे दिन पेट्रोल का टैंकर मिल रहा है। पहले से उपलब्ध पेट्रोल ही ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रदेश में कई जगह पेट्रोल पंप से ग्राहकों को खाली हाथ लौटाया गया है। बताया जा रहा है कि तेल कंपनियां घाटा बताकर कम सप्लाई कर रही है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी पेट्रोल की सप्लाई तीसरे दिन आ रही है। ऐसे पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।